अभी तक तो समाजवादी पार्टी ही अपने परिवार के साथ राजनीति के मैदान में थी, लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपने परिवार को धीरे धीरे राजनीति में उतार रही हैं। दरअसल लखनऊ में बीएसपी की एक खास बैठक की गई, जिसमें पार्टी को लेकर बड़े बड़े बदलाव किए गए। इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी उपाध्यक्ष पद अपने भाई आनंद कुमार को दिया है। इससे पहले मायावती ने आनंद कुमार को पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने पार्टी में नंबर दो की पोजीशन अपने भाई को दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भतीजे आकाश को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। अभी तक तो अखिलेश और मायावती को लेकर राजनीति में बुआ बबुआ के नाम से चुटकी ली जा रही थी, लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि सियासी गलियां आकाश के लिए नई हैं, बल्कि लोकसभा चुनावों से पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को राजनीति के दांव पेच सिखा दिए थे। मायावती ने ये संकेत भी दिए थे कि आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ऐसे में अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये आकाश आनंद हैं कौन। आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती के साथ रैलियों में आकाश दिखाई देने लगे थे। कई रैलियों में आकाश माया के साथ मंच पर दिखाई दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी माया अखिलेश की संयुक्त रैली में मंच पर आकाश दिखाई दिए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीएसपी के लिए रणनीति बनाई थी। लोकसभा चुनाव में आकाश बीएसपी के स्टार प्रचारक बने थे। मायावती पर बैन लगने के बाद आकाश ने जनता को संबोधित किया था। न्यूज डेस्क।